दीपक जी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपचुनाव की 7 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर ये काउंटिंग हो रही। उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त है, 3 जीत ली, 1 पर आगे चल रही है बीजेपी। बिहार की मोकामा सीट को आरजेडी ने जीता है। बिहार की गोपालगंज सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी का कब्जा और हरियाणा की आदमपुर सीट भी बीजेपी ने जीती। तेलंगाना में कांटे की टक्कर चल रही है। आदमपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है हरियाणा की आदमपुर सीट पर, लेकिन तेलंगाना की सीट पर इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। गोला गोकर्णनाथ सीट बीजेपी ने जीती, मोकामा सीट बिहार की आरजेडी ने जीती है, वहीं गोपालगंज सीट बिहार की बीजेपी ने जीती है। और आदमपुर सीट की बात करें तो बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया है। हरियाणा की आदमपुर सीट पर बीजेपी की जीत, आदमपुर से बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जय प्रकाश को हराया। भव्य बिश्नोई 16,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जय प्रकाश को मात दी है। 16,000 वोटों से ये जीत दर्ज की है भव्य बिश्नोई ने। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है, ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदमपुर हलके की जनता को कि जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे 20 दिन यहाँ पड़े रहे और ये भूपेंद्र हुड्डा अपने भाषण में बोलते थे कि ये चुनाव जेपी का नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई का है। तो भूपेंद्र हुड्डा को धूल चटाने के लिए आदमपुर हलके की जनता को बधाई। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त इन्हीं उपचुनाव में गोपालगंज सीट बिहार की, जहां बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। गोपालगंज सीट पर बीजेपी का कब्जा, बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी यहां से जीत गई हैं। 2,183 वोटों से कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। गोपालगंज सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी ने 2,183 वोटों से जीत दर्ज की है। गोपालगंज सीट पर बीजेपी की शानदार जीत, उम्मीदवार कुसुम देवी यहां से चुनाव जीत गई हैं। गोपालगंज सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, बीजेपी ने इस गोपालगंज सीट को जीत लिया है। कुसुम देवी बीजेपी की उम्मीदवार वो जीत गई हैं। एक और बड़ी खबर अब इस वक्त आ रही है और ये आ रही है मोकामा सीट से, जहां पर आरजेडी ने जीत हासिल की है। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की, आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी जीत गई हैं। नीलम देवी ने बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को यहां से हरा दिया है। नीलम देवी आरजेडी की उम्मीदवार, उन्होंने सोनम देवी को यहां से हराया है। आरजेडी की उम्मीदवार ने जीत मोकामा सीट से हासिल की है। जी, नीलम देवी ने बीजेपी उम्मीदवार को यहां से हराया, सोनम देवी को यहां से हराया है। मोकामा सीट आरजेडी की झोली में गई है। बिहार के मोकामा सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की है। एक और ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त, गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की है। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी जीत गई है। बीजेपी उम्मीदवार ने सपा उम्मीदवार को यहां पर हरा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की शानदार जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी 32,000 वोटों से यहां पर जीते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट बीजेपी उम्मीदवार 32,000 वोटों से यहां पर जीते हैं। फिर बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर हिमाचल।